विनर मुर्गा है, विनर मुर्गा है, विनर इसका मुर्गा। ब्लेड निकाल दिए पैर का। जय श्री राम। डर गया होगा उस एक्चुअल में, वो मैं डर गया था उसके चक्कर में। ये हाईएस्ट पीक है टॉप, जय माता दी। तो यहाँ से उतरते हैं नीचे वापस ट्रैक करते हुए और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि अभी लगभग बज चुके हैं 3:30। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, लंच भी नहीं किए हम लोग, ट्रैकिंग में टाइम लगे। अभी उतरने में 1 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट, फिर थकावट लगेगी, फिर जाके मीटिंग वगैरह कुछ है यहाँ पे, सब बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्री वाइट कलर का है, एक्चुअली इसको घोस्ट ट्री कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब रात होती है ना तो ये चमकता है व्हाइट कलर होने की वजह से, तो लोगों को लगता है कि बन जाएगा फिर उड़ाएंगे तो लोगों को लगता है, मतलब नीचे से देखते हैं तो कुछ चमक रहा है, तो घोस्ट घोस्ट मतलब चमकता है ना रात में, तो इसलिए घोस्ट ट्री कहा जाता है। कॉमेडी चलते रहता है। ओ माय गॉड, का वीडियो पड़ा मेरे पास। ये जो हो रहा है ये मुर्गा फाइट हो रहा है, तो बहुत सारी है इसमें, यूट्यूब में एक्चुअल में दिखा नहीं सकते, बट ये दूसरी देख लेते हैं। जो मुर्गा फाइट होता है उसमें चाकू वगैरह भी लग रहा था पैर में, बोल रहे हैं, और मरने के बाद ना मुर्गा को ऐसे बेच देते हैं, देखो बेचते हैं यहाँ पर। और इन पे काफ़ी सट्टा भी लगता है, लोग काफ़ी पैसा लगाते हैं इन पे, और उड़ीसा आसपास के क्षेत्रों से, आंध्रा के साइड से भी लोग आते हैं, और कई तगड़े मुर्गे होते हैं, उनकी लड़ाई होती है, कई कई लाख रुपए तक की बीडिंग होती है कि हाँ भाई जो जीतेगा हारेगा। तो ये पूरे साल नहीं चलता, ये इसी समय ही बेसिकली ये फेस्टिवल होता है। ओके। और ये कई दिन तक अभी चलता रहेगा, और ऐसे आपको कई जगह और तमाम दिख जाएंगे जहाँ पर लोग आते हैं। पूरी देखो पार्किंग, देखो पूरी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, खुद दूर दूर से लोग आते लगता है। तो सचिन भी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, मुर्गा फाइट हो रहा है। देखो कैसा बुरी लग रहा है, सब हाथ उठा के, सुनो सुनो, शांत हो गए सब। देखो वहाँ पे ना मुर्गे के टांग में चाकू बांध रहे हैं ताकि एक दूसरे को मार सके, जो जीतता है उसको इनाम, और जो हारता है वो उसको उधर बेच देते हैं काट के। बाप रे, लगा दिया चाकू, लग गया। अच्छा जीत गया। अब ये देखिए ये विनर मुर्गा है, विनर मुर्गा है, विनर मुर्गा। इसका ब्लेड निकाल दिया पैर का, पास लाओ ना, कहाँ कहाँ चोट लगा दिखाओ ना। आप देख सकते हो कितना लड़ाई लड़ा है, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है इसे, और तो उनको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है क्या, स्पेशल ट्रेनिंग मिलता है क्या? नहीं सर, चाकू बांधते हैं, चाकू बांध के बस भिड़ाते हैं। अच्छा, और लड़ाई लोग खुद करते हैं, छोड़ते हैं सर। तो अभी जैसे जीत गया तो अभी क्या होगा, इसको आरा वाला ले जाएंगे सर घर में, बना कहेंगे जीता वाला पालेंगे। ये नहीं बन, ये नहीं बनेगा ना। हाँ राइट राइट। और तुम्हारा नाम क्या है? रोहित कर्मा। रोहित रोहित, मैं अच्छा लग रहा है रोहित, बड़े बढ़िया है। कितना कितने का बोली लगा अभी आज खाइए? पहले सर 5-6 हज़ार का। अच्छा अच्छा, वैसे तो कई लोग लाखों लाखों रुपये लगाते हैं। वो तो बड़ा गेम, बड़ा गेम होता है ना, अभी छोटा चल रहा है। तो ये साल में इसी समय ही होता है ना? सर शनिवार शनिवार को होता है। अच्छा, पूरे साल शनिवार, हर शनिवार को होता है, कुछ त्यौहार होता है ना सर, 3-4 दिन चलता है। हाँ ठीक ठीक, चलो यार अच्छा लगा। तो भाई जानकारी दे रहे थे, चलो अच्छा जानकारी हो गया, इंस्टाग्राम के लिए एक्सक्लूसिव आपके लिए। एक्चुअली लड़ाई को आप लोग दिखा नहीं सकते, इसको सोशल मीडिया में रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम एनिमल वायलेंस कहा जाता है। क्या बात, मेरे को मेरे हिसाब से अच्छा किताब पे तेरा दिमाग के खोखला
बैटरी एकदम कम है, लेकिन आपको एक अच्छा सा जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग दंतेवाड़ा के सर्किट हाउस में कहाँ रुके, देखो VIP रूम, किंग साइज बेड। यहाँ मतलब IFS IAS बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन MLAs आते हैं अचानक तो रुकते हैं, तो फर्स्ट रूम मतलब वाला रूम है ये। तो यहाँ पे देखो प्योर सागौन का ये मतलब वो है, चेयर वेयर है मतलब लकड़ी का प्योर सागौन। दरवाज़ा भी देखो, ये सब घड़ी वड़ी पेंटिंग वेंटिंग आर्ट वगैरह सब चीज़ है। और ये सब देखो भैया, और मैं रुके मतलब दोनों राइडर्स, एंड इधर दिखाता हूँ आपको बाथरूम। ये बाथरूम का है पूरा लॉबी जैसे, ये यहाँ पे कुछ रखने का है। ये देखो भाई किंग साइज। ये भी है बाथरूम, मतलब आज पूरा लग्जरी वाली लाइफ। भले 12 बज चुके हैं, 12:05 रात के, 3-4 घंटे सोना है, सुबह निकलना है अपने को। तो व्लॉग के एंड में यही है, ये आज अच्छा खासा था। हम लोग मतलब ढोलका ट्रैक से आने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है यहाँ के, उनसे चर्चा कर रहे थे टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा करके, हम लोग से इनपुट्स ले रहे थे, सजेशन ले रहे थे क्या क्या कर सकते हैं करके। उसके बाद फोटो सेशन हुआ, उसके बाद उनके जाने के बाद मतलब बारिश हो रहा था तो हम लोग कैंपिंग नहीं कर पाए आज शाम को, रात को कैंपिंग नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए बाहर से जाना पड़ता। तो हम लोगों ने क्या किया, वहीं पे ऑडिटोरियम था लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे पूरा ऐसे फंक्शन हो रहा था, रैप वाले आए थे छत्तीसगढ़ी रैपर, उन लोग के साथ डांस वांस, बर्थडे पार्टी, किसी का बर्थडे था तो उनको मना रहे थे उनका, तो सब चीज़ चल रहा था। उसके बाद यहाँ आने के बाद डिनर विनर किए, तो बोले कि यहाँ बारिश हो रहा है जा नहीं सकते, गर्ल्स लोग भी कैंपिंग में नहीं रुक सकते उतने दूर। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने मतलब बोल के, SDM सर ने, अविनाश मिश्रा सर जी हैं IAS, उन्होंने मतलब बोल के यहाँ पे अरेंजमेंट कराया रुकने के लिए, तो सब यहीं रुके हैं। और हम लोग के लिए स्पेशल ये रूम, मतलब अभी 3 लोग रहेंगे, 2 लोग नहीं है, अभी 2 लोग और आएंगे साथ, यहाँ पे बेड लगेगा। तो सारे जो 26-27 लोग हम लोग आए हैं सब यहीं रुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को स्पेशल वो मिला है ट्रीटमेंट, हम लोग कैंपिंग ही करने वाले थे, हम लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, कुछ दिखावा नहीं है, बस यूट्यूबर हैं तो हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग आपके लिए मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए आप लोगों को कि यहाँ ऐसा कुछ खतरा नहीं है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, बाहर से भी अदर स्टेट से भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। रिसेप्शन चेंज कीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर रीज़न है जहाँ पे खतरा रहता है, बट उसके लिए पुलिस है, BSF है, तो उसके कोई खतरा नहीं है। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर, आइए विजिट कीजिए, और दंतेवाड़ा में मतलब पर्यटन को और बढ़ावा दीजिए, मतलब ओवरऑल बस्तर में। जितना ही आज के लिए, बैटरी भी कम है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कल सुबह मॉर्निंग 6 बजे रायपुर निकलेंगे। तो और सीरीज आपको कैसा लगा दंतेवाड़ा का बताइए ज़रूर, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा दिन में गैप करके डाला है, मैंने ज़्यादा सिनेमेटिग्राफ नहीं किया, मैंने इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ही, आप लोग को यही बताने के लिए कि यहाँ पर सेफ़ है, पर्यटन के लिए आ सकते हैं, बहुत सारे नए नए जगह खुलने वाले हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था, इनसे बात नहीं हो, इनसे कोलैब नहीं, यहाँ पे सब लोग कोलैब किए हैं एक दूसरे से, ऑफ द कैमरा भी किए, ऑन कैमरा भी किए, बट सब लोग मज़ा आया, सबके साथ एकदम टाइम स्पेंड किए, बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत सारे मस्तियाँ हुआ, हर चीज़ हुआ। अपना कंटेंट अलग रहता है, और अपना जैसे हैं सिंपल सादा इंसान उस टाइप का रहता है, तो ये मत सोचना कि एकदम तड़क भड़क ये सब रहेगा, बट हमने स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता दिया, जो भी जैसा भी है, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया, राइड किया, उस हिसाब से। बाय बाय।